नमस्कार दोस्तों, कई दिनों से एक काफी ट्रेंडिंग इश्यू चल रहा है, वो है न्यू ग्लोबल कार का, जिसपे मैंने काफी वीडियोस डाली हैं और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी है। तो पहले से आप सबका धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, लाइक की हैं, और आपसे एक निवेदन है कि जब भी आप वीडियो देखते हो तो उसके पास नीचे एक सब्सक्राइब का बटन बना होता है, उसको दबा दीजिए। उसको दबाने में कोई चार्ज नहीं है, बट उससे हमें हौसला मिलता है कि हम ऐसी वीडियो और बना के लेके आए, मोटिवेशन मिलता है हमें। तो आज की वीडियो जो मैं बनाई है वो इसलिए है कि न्यू ग्लोबल कार जो कि काफी फेमस हो गया था ट्रैवलर में और बहुत सारे ट्रैवलर इसको यूज करते थे, अचानक से आरबीआई ने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी जिसके कारण लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे थे। बट अभी आज जैसा कि मेरी वीडियो पहले आ चुकी है, आज मैंने वीडियो डाली है कि 15 मार्च तक आरबीआई ने न्यू ग्लोबल कार के कस्टमर को अलो कर दिया है कि वो फोरन में एटीएम विड्रावल और पोस्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अगर उनका अकाउंट केवाईसी कंप्लाइंट है। अब केवाईसी कंप्लाइंट है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दी है और उसका लिंक ऊपर दिख जाएगा, उसको क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि आपका अकाउंट केवाईसी कंप्लाइंट है कि नहीं है। अब मुद्दा यह है कि 15 अप्रैल के बाद क्या होगा, तो यह भी कंफ्यूजन है कि 15 अप्रैल के बाद क्या इसको परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी और इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका सोल्यूशन दोस्तों SBM बैंक जिनका न्यू कार्ड है उन्होंने निकाल दिया है, उन्होंने अपना एक क्रेडिट कार्ड इश्यू किया है जिसमें आपको क्या है कि आपने एक FD बना देनी है, जितने अमाउंट की आप FD बैंक में बनाओगे उतने का आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 50,000 की FD बनाई तो मुझे FD पर 6.75 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और साथ में मुझे एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा जिसमें 50,000 की लिमिट होगी। जब तक मैं FD रखूंगा तब तक वो क्रेडिट कार्ड चलता रहेगा, जैसे मैं FD कम या ज्यादा करूंगा तो उस हिसाब से उसकी लिमिट चेंज होती रहेगी और 3 महीने कम से कम आपको FD चलानी पड़ेगी, ये इसकी एक कंडीशन है। तो मैंने भी ये कार्ड ऑर्डर कर दिया था और मैंने ये 5,000 की FD पे कार्ड ऑर्डर किया है और ये बॉक्स मुझे आज डिलीवर हुआ है, लगभग 3 दिन के अंदर अंदर कार्ड मेरे पास आ गया है और अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूं, देखते हैं इसमें कैसी पैकेजिंग है, क्या इसमें है। तो पैकेजिंग बिल्कुल सिंपल सी पैकेजिंग में ये देखिए न्यू लिख के आया हुआ, पर न्यू लिखा हुआ है और इस पे जहाज का निशान बना हुआ है, इसका मतलब इसमें लॉन्च फ्री होंगे। तो इसको अभी ओपन करते हैं, सिंपल सी पैकिंग है बड़ी इसकी और इसको हमने ओपन कर लिया और उसमें से क्या क्या निकलता है, ये तो पैकेट है इसको हम साइड रख देते हैं और इसमें से एक और पैकेट निकला है और पैकेट में क्या क्या है, एक तो निकला है ये न्यू क्रेडिट कार्ड, ये न्यू क्रेडिट कार्ड है और इसमें क्या है, और ये बॉक्स भी खाली है और साथ में ये छोटा सा एक बुकलेट मिली है। तो देखते हैं इसमें क्या है, इसको ही मैं चेक करता हूं। इसमें लिखा हुआ है 0 forex मार्कअप, क्या आपको 3 से 5% अदर क्रेडिट कार्ड पे मार्कअप लगती है इस कार्ड में नहीं लगेगी। दूसरा लिखा हुआ कंप्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस, सिट बैक एंड रिलैक्स एट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च। तो आपको इंडिया में चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल, दोनों तरह के लॉन्च फ्री हैं। बहुत सारे कार्ड पे सिर्फ डोमेस्टिक लॉन्च होते हैं, इंटरनेशनल लॉन्च नहीं होते हैं। तो इसमें आप चाहे डोमेस्टिक यूज करो चाहे इंटरनेशनल करो, इंडिया में कोई भी लॉन्च यूज करो आपको बिल्कुल फ्री रहेगा। और कितना कितनी बार होगा वो यहां पे मेंशन नहीं किया गया, बट ये लिखा हुआ है कि लॉन्च फ्री है। उसके बाद नो TCS अप्लाइज ऑन दिस कार्ड, इस कार्ड से आप कोई भी शॉपिंग करोगे तो आपको TCS जो टैक्स लगता है वो नहीं लगेगा, तो ये इसकी एडवांटेज है। इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि अगर आप इससे प्री बुक कर सकते हो होटल, जिससे आपको क्या है आपको अपनी सिक्योरिटी वगैरह देने की जरूरत नहीं है, वो तो हर कार से हो जाता है, तो ये कोई फीचर सब कार्ड में होता है। FD पर रिटर्न मिलेंगे, जो आपने FD दी होगी उस पर आपको इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है। और थर्ड क्या है, सुपीरियर सिक्योरिटी कंट्रोल, और इसमें बोल रहे कंट्रोल जो है वो सुपीरियर है, तो ये इसमें ये फीचर था, ये कार्ड आया है। और इसकी एनुअल फीस की बात करें तो एनुअल फीस कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री है, कोई एनुअल चार्जेस नहीं है। और बाकी मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी,
उसमें बताया था कि इसके जो एनुअल चार्ज नहीं है, बट इसके जो हम एटीएम विड्रावल करते हैं बाहर कैश निकालेंगे उसके आई थिंक 250 रुपीज चार्ज लगेंगे। मोस्टली जो क्रेडिट कार्ड है उसमें से आप पैसा निकालते हो चार्ज लगते हैं और बहुत ज्यादा लगते हैं, बट इन्होंने फिर भी काफी कम रखे हैं। और आपको जो न्यू डेबिट कार्ड में फीचर मिल रहे थे वही फीचर आपको इसमें मिल रहे हैं, बस सिर्फ एक टर्म चेंज कर दी उन्होंने, वो डेबिट था या क्रेडिट है। उसमें आप पहले बैलेंस रखते थे, इसमें भी आपको एफडी रखनी पड़ रही है, तो ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आप चाहो तो ये कार्ड बना सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टेंशन नहीं रहेगी कि आपको कितना स्पेंड करना है, कोई कुछ ब्लॉक हो जाए तो वो टेंशन नहीं है। अभी फिलहाल सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो यही है न्यू क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप बनाना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको मैं ऊपर दे दूंगा, उस लिंक पे जाके कार्ड कैसे अप्लाई करना है वो देख लीजिए और वहां से अपना कार्ड अप्लाई कर लीजिए। और दोस्तों एक जे इसमें से पर्ची और निकली है, इसमें चार्जेस लिखे हुए हैं, तो हम चार्जेस पर लेते हैं। ज्वाइनिंग फी और प्राइमरी एंड एडन 500 रुपए ज्वाइनिंग फीस है इनकी, जो कि अभी वेव ऑफ है। इनकी ज्वाइनिंग फीस 500 रुपए है बट अभी वेव ऑफ है। एनुअल मेंबरशिप जो 500 रुपए है और अभी वेव ऑफ है, तो अभी एनुअल मेंबरशिप भी कुछ नहीं लगेगी। और रिक्वायरमेंट फॉर ग्लोबल क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस, तो इन्होंने लिखा है कि अगर आपने ये ग्लोबल क्रेडिट कार्ड लेना है तो आपको कम से कम 2000 की एफडी करनी पड़ेगी, पर इनके ऐप पे 5000 लिखा रहा था बट यहाँ पे लिखा है कि 2000 की एफडी करनी पड़ेगी मिनिमम, तब आपको ये कार्ड मिलेगा। और कार्ड एडवांसेस और एटीएम विड्रावल, अगर आप डोमेस्टिक विड्रावल करते हो तो आपको 100 रुपए लगेगा एटीएम विड्रा करने पे, और अगर आप इंटरनेशनली विड्रावल करते हो तो आपको 200 रुपए लगेगा पैसे विड्रा करने पे। जो कि पहले डेबिट कार्ड था इनका, उसमें 118 रुपए रखते थे, थोड़े ज्यादा लग रहे हैं बट ये क्रेडिट कार्ड है वो डेबिट कार्ड था। इसके अलावा सर्विस चार्जेस लीड ऑन ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। अगर फोर्स मार्कअप की बात करें तो नील है, इसमें कोई मार्कअप नहीं लगेगा। जो वीजा कार्ड है जिसकी जो रेट्स है वही एप्लीकेबल होंगे। ओवर लिमिट फी, जैसे इसकी लिमिट 5000 है, 5000 से ज्यादा स्पेंड करते हो तो आपको 150 रुपया चार्ज लगेगा। इंटरेस्ट फ्री पीरियड कितना है, 45 दिन तक इसमें आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, जो कि नॉर्मली हर क्रेडिट कार्ड में होता है। और अगर आप फाइनेंस करते हो तो आपको इंटरेस्ट पड़ेगा 3% मंथली और 36% ईयरली, तो आप इंटरेस्ट वाले चक्कर में मत पड़ना, इसको एज ए डेबिट कार्ड यूज करो। जैसा कि आपने बैलेंस अपने न्यू कार्ड में रखा होता है तो इसको आपने न्यू अकाउंट में रख दो, उसकी एफडी कर दो, उस पर ब्याज भी ज्यादा मिलेगा और आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा और उसको आप यूज करते रहो एज ए ट्रेवल कार्ड। तो मेरे हिसाब से तो बढ़िया है। आपको क्या लगता है कि ये बढ़िया है कि नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई आपका क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और आपसे निवेदन है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।